11th लेसन रंगा सिहार। एक बार एक सिहार बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में वहाँ एक बस्ती के निकट जा पहुँचा। उसे देखकर बस्ती के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए सिहार वहाँ से भागा। भागकर वहाँ एक घर में जा घुसा। वहाँ घर एक रंगरेज का था। वहाँ घर में नीले रंग से भरा एक टब रखा हुआ था। सिहार अचानक उसमें जा गिरा। कुछ देर बाद जब वहाँ बाहर निकला तो वहाँ नीले रंग में रंग चुका था। कुत्ते भी वापस लौट गए थे। उस घर से निकलकर सिहार वापस वन की ओर चल पड़ा। जब जंगल के जानवरों के नीले रंग वाले सिहार को देखा तो वे उसे अनोखा प्राणी मानकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शेर भाग चीता भेड़िया आदि हिंसक और ताकतवर जानवर भी भयभीत होकर अपनी गुफाओं में दुबक गए। सिहार ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने सारे जानवरों को पुकार कर कहा, अरे जंगल के जानवरों, मुझसे डरो नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूँ। मुझे देवताओं ने जंगल पर राज करने के लिए भेजा है, इसीलिए मेरे पास आओ और मेरी आज्ञा मानो। धीरे धीरे सभी जानवर उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। शेर बाघ और चीता भी उन्हीं में शामिल थे। सब ने इकट्ठा होकर कहा, आज्ञा दे महाराज, हमें क्या करना है। रंगे सिहार ने शेर को अपना मंत्री बनाया, अन्य जानवरों को भी कोई ना कोई काम सौंप दिया।